दोस्तों आईफोन 16 प्रो की लीक्स एंड अपडेट्स निकल के आ रहा है एंड इसके दो अपग्रेड्स ने तो मेरा दिमाग खिला दिया है एंड ये आपका भी दिमाग खिला कर रख देंगे। दोस्तों आईफोन 16 प्रो में अपग्रेड्स तो काफी अच्छे दिए गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आईफोन 16 प्रो लेना सही है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें इनके स्पेक्स के बारे में जानकर ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बाहरी स्पेक्स की बात आई गई है तो डिस्प्ले एंड बैक को हम कैसे भूल सकते हैं? अरे जल्दी बता, टाइम मत खपा। तो डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.27 इंच का एक डिसेंट ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, तो भाई देखने में काफी मजा आएगा, वीडियोस अच्छी वाली। हाँ, मेरी वीडियोस देखना यार। एंड नाउ बैक में हमें टाइटेनियम बैक देखने को मिलेगी, तो डिजाइन काफी मस्त रहने वाला है। एंड इन हैंड फील्ड की क्या ही बात करें, जब आईफोन हाथ में हो तो फील अपने आप ही आ जाती है। एंड आईफोन 16 प्रो में हमें 4 कलर देखने को मिलेंगे, जो हैं ब्लू टाइटेनियम, ब्लैक टाइटेनियम, व्हाइट टाइटेनियम एंड नेचुरल टाइटेनियम। तो कलर्स काफी मस्त आ रहा है देखने में। कुछ बटन भी तो बता दे है या नहीं? जहाँ आजकल सारी फोन कंपनियां सारे बटन्स डिस्प्ले के अंदर ही ठूसने में लगी हुई हैं, वहीं एप्पल हमें काफी सारे फिजिकल बटन्स प्रोवाइड कराता है, जिससे इसका यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। तो बटन्स भी हमें इसमें वही सेम मिल रहे हैं, जिसमें आ जाता है वॉल्यूम बटन्स एंड स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन्स। अब कुछ खतरनाक एक्शंस के लिए हमें मिलता है एक एक्शन बटन, जिससे आप काफी सारे एक्शंस कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट ये रही। एंड फोटो एंड वीडियो कैप्चरिंग के लिए हमें मिलेगा कैप्चर बटन, जिसपे अपनी फिंगर को स्लाइड करके आप जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। ये भी एक लीक है, कंफर्म नहीं कह सकते कि आएगा नहीं, बट ये आता है तो काफी मजेदार चीज है एंड काफी एडवांस हो जाएगा। कहीं एप्पल वालों ने इसमें भी तो बैटरी नहीं चेप दी? तो बैटरी पहले आप लोग कमेंट्स में गेस करिए वीडियो को पॉज करके, लेकिन रहने दो, एप्पल की बैटरी गेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 3355 mAh की बैटरी मिलेगी विद 40 वॉट चार्जिंग एंड 20 वॉट वायरलेस चार्जिंग। तो इस बार काफी अच्छा काम किया है एप्पल ने। एंड आईफोन 16 प्लस की तरह इसकी बैटरी में रिडक्शन नहीं दिया गया है, इंक्रीज किया गया है आईफोन 15 प्रो से। एंड एप्पल का नया बवाली यूजर इंटरफेस भी मिलेगा इसमें हमें, हाँ वही iOS 18, जिसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना एप्पल इंटेलिजेंस की शक्तियां मिलेंगी, जो कि हमें नॉर्मल फोन्स भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं, बट वो थोड़ा 19-20 रह सकता है, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। नहीं तो बता दे भाई, तो की फीचर बताएगा कि मैं जाऊं? अरे भाई सब्र करो, बताता हूँ। तो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड बेस्ट की फीचर इसमें हमें जो मिल रहा है वो है इसका कैमरा, जिसमें हमें मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, मतलब अल्ट्रा वाइड कैमरा में हमें एक अपग्रेड देखने को मिला है। एंड इसमें हमें 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है विद 5x जूम, जो कि कंटिन्यू किया गया है वही। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में हमें एक जबरदस्त अपग्रेड देखने को मिल रहा है, जिससे फोटोज एंड वीडियोस काफी अच्छी आ जाएंगी आईफोन 16 प्रो से भी। एंड नाउ कमिंग टू द प्रोसेसर, इसमें हमें A18 प्रो चिपसेट मिलेगा, जो कि वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर होगा। एंड ये 3nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड होगा, तो काफी बैटरी एफिशिएंट रहेगा फोन एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो देगा ही। एंड ये इसका सेकंड मोस्ट बेस्ट की फीचर था। एक कुछ पे भरोसा था, लेकिन लगता है कि एप्पल वालों के हाथ तो भी बिक गया है। अरे नहीं भाई, तुम्हें अगर नहीं विश्वास हो तो स्नैपड्रैगन वर्सेस मीडियाटेक वर्सेस आईफोन के चिपसेट की कंपैरिजन की वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है, सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। आईफोन 16 प्रो मैक्स की वीडियो आने के बाद बी रेडी फॉर दैट कंपैरिजन।